हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मिनट रिवीजन वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो कि रेडिली अवेलेबल होता है ऑब्जर्वेशन के लिए लेबोरेटरीज में, दैट इज यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर एंड स्टैगनेंट वाटर में पाया जाता है। स्टैगनेंट मतलब कि जहां पे पानी इकट्ठा हुआ हो, जैसे बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसे स्टैगनेंट वाटर कहते हैं, इकट्ठा जो हो जाता है पानी। बात करें इसकी सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। भले इसमें ग्रीन ग्रीन जैसा दिखता है, ये क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इस पर क्लोरोफिल ए बी कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है बट इसकी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल पेलिकल से बनी हुई होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है, फ्लेक्सीबल टाइप की होती है। इसको देखें तो इसपे दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, मतलब ये खाना खाता है, तो ये मिक्सोट्रॉफिक है। ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इस पर। लाइट ना हो तो फिर ये हेटरोट्रॉफिक की तरह भी एक्ट करता है, तो इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर पाता है और हेटरोट्रॉफिक भी है। इसकी वजह से जो हमारे ये साइंटिस्ट थे लिनस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जिसकी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से वो फेल हो गया था, क्योंकि ना तो ये प्लांट पे आ रहा है ना तो ये एनिमल पे आ रहा है। ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर पाता है और ये हेटरोट्रॉफिक भी होता है। बाकी एग्जांपल यूग्लिनॉइड का यूग्लिना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।